Good evening, sir. How are you? Fine, thank you. So, sir, let's talk about military law. आज तक हम लोगों ने कॉलेज में इस बारे में बात भी नहीं करी थी. यहाँ आके मुझे ये पता चला है कि मिलिट्री लॉ कितना इम्पोर्टेंट है. तो क्या आप हमें डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? डिसेबिलिटी पेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच हैव गॉट वन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिटिगेशंस इन सर्विस लॉज। सो डिसेबिलिटी पेंशन बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप आर्मी ज्वाइन करते हो, एयरफोर्स ज्वाइन करते हो, नेवी ज्वाइन करते हो, उस टाइम पे आपका एक मेडिकल टेस्ट किया जाता है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि आप फिजिकली फिट हो कि नहीं हो। और वो जो फिजिकल फिटनेस है उसमें एक वर्ड यूज किया जाता है, शेप 1। नाउ शेप 1 बेसिकली मीन्स दैट यू आर एन इंडिविजुअल हुज़ गॉट नो एलिमेंट्स एंड यू आर इन द परफेक्ट शेप एज पर द मिलिट्री कल्चर एंड नॉर्म्स। इसका मतलब ये है कि आपको ना तो कोई बीमारी है, आप एकदम फिट फाट हो, आपको कोई डिजीज नहीं है, आप मतलब फौज के तौर तरीकों के हिसाब से और फौज के अंदर जैसा मेडिकल इंसान का होना चाहिए वैसे उतने मेडिकली फिट आप हो। तो अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको कहते हैं डिसेबिलिटी होना, और अगर उसी डिसेबिलिटी की पेंशन मिल जाए तो उसको कहते हैं डिसेबिलिटी पेंशन। तो सर, ये बाकी पेंशनों से अलग कैसे? बहुत अलग है। डिसेबिलिटी पेंशन एक स्पेशल पेंशन है। बेसिकली नॉर्मल पेंशन क्या होती है, जितनी आपने सर्विस करी होती है उस सर्विस के बेस के ऊपर उसके अंदर डीए मिलाकर और ग्राफ आपको बेसिकली डीए रादर डीएमएस अलाउंस मिलाकर एक पेंशन दी जाती है, विच इज जर्नली अराउंड 45 to 50% ऑफ द लास्ट ड्रोन सैलरी। जर्नली इट इज नॉट फॉर श्योर इतना ही होगा, कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सर्विस, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस यू पुट इन, व्हाट इज द इशू देयर। अब जो डिसेबिलिटी पेंशन है, ये डिसेबिलिटी पेंशन तभी मिलती है जब आपको कोई डिसेबिलिटी हुई हो, और डिसेबिलिटी जो होती है वो भी 20% से ऊपर की डिसेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती है। आप बेसिकली अगर आपकी 20% से ज्यादा डिसेबिलिटी भी है तब भी आपको 14% ही दिया जा रहा है, सो दैट सरकार को एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े। सो देयर फॉर वेन वी टॉक अबाउट डिसेबिलिटी पेंशन सिंपली ये होता है कि अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी फौज में नौकरी करते समय हो जाती है तो उसके उपज में आपको जो पेंशन दी जाती है उसको डिसेबिलिटी पेंशन कहा जाता है। तो सर, किस किस प्रकार की डिसेबिलिटीज इसमें आती है? हर तरह की डिसेबिलिटी इसमें इंक्लूडेड है, मतलब डिसेबिलिटी हाइपरटेंशन को भी कह सकते हैं, आपके लड़ाई लड़ते हुए गोली लग गई है उसके अंदर आपका पैर टूट गया है, दैट इज ऑल्सो डिसेबिलिटी। आपको हार्ट अटैक हो गया है जब आप आर्मी के अंदर हो, दैट इज ऑल्सो डिसेबिलिटी। आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, आपको बहुत ज्यादा एक्यूट डिप्रेशन हो गया है, पीटीएसडी हो गया। पीटीएसडी वैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को कहते हैं, बट जनरली इंडिया के अंदर वो रिकॉग्नाइज नहीं है। अब धीरे धीरे वो नॉर्म्स आ रहे हैं जिसके अंदर इसको भी एक डिसेबिलिटी माना जाना शुरू किया गया है। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, सर्टन केसेस के अंदर डायबिटीज कैन ऑल्सो भी इंड्यूस, क्योंकि आर्मी के अंदर आपको हमेशा फ्रेश राशन मिलेगा, जरूरी नहीं है। अब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे हो जहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है, रास्ते बंद हैं, तो आप टिक राशन खा रहे हो बार बार। टिक राशन के अंदर भी न्यूट्रिएंट कंटेंट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो दैट इज ऑल्सो डिसेबिलिटी। सर, तो ये एप्लीकेशन फाइल करने की प्रोसेस क्या है डिसेबिलिटी किस चीज की एप्लीकेशन है? पेंशन? सबसे पहले तो आपको फर्स्ट अपील फाइल करनी पड़ती है आर्मी के अंदर जब आप रिटायर हो जाते हो, आपका आरएमबी होता है। आरएमबी का मतलब होता है रिलीज मेडिकल बोर्ड। रिलीज मेडिकल बोर्ड के अंदर अगर आपको डिसेबिलिटी पेंशन 20% दी गई है लेकिन आपको उसमें एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस नहीं बोला गया और एग्रीवेटेड में मिलिट्री सर्विस नहीं बोला गया है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी नहीं। अब जो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी नहीं, आप फर्स्ट अपील करोगे, फर्स्ट अपील भी आपको किसी लॉयर के थ्रू या किसी लीगली वर्स्ट इंसान के थ्रू करानी चाहिए, क्योंकि ये जो फर्स्ट अपील है ये भी आपके होए का हिस्सा बनती है। होए मतलब ओरिजिनल एप्लीकेशन जो आप आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में डालते हो। इसके बाद फर्स्ट अपील सेकेंड अपील डालने के बाद फिर आप एक ओरिजिनल एप्लीकेशन ड्रॉ करते हो जिसके अंदर आप ये बताते हो कि ये जो बीमारी है इसका आपकी मिलिट्री सर्विस से क्या रिलेशन है। जब आप वो रिलेशन प्रूफ कर देते हो और आपकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी प्रूफ हो जाती है उसके बाद आपको डिसेबिलिटी पेंशन कोड के थ्रू मिल जाती है।
ये एप्लीकेशन प्रोसेस करने में लोगों को क्या क्या मुश्किलें आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? सबसे पहले तो हर किसी के पास नॉलेज नहीं है कि अगर उनकी डिसेबिलिटी रिजेक्ट हुई है तो उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी कैसे। उसके बाद उनके पास पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं होते कई बार, तो बेसिकली कई रिकॉर्ड्स में ऐसा भी होगा जब आपको डिसेबिलिटी हुई होगी उस टाइम पे आपको 30% डिसेबिलिटी देनी होगी और फिर एकदम से आरएमपी में 5% करके आपको रिलीज कर दिया होगा। तो आपके पुराने सारे जो रिकॉर्ड्स हैं आपके पास होने चाहिए ताकि जब हम कोर्ट में जाएं और कोर्ट को दिखाएं तो आप ये बता सकें कि सर मेरी एक्चुअल डिसेबिलिटी इतनी है। आप वो जब बीमारी मेरी चलती रही उसकी दवाई में खाता रहा तो एकदम से वो 5% कैसे हो गई और इसलिए मुझे डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। उसके बाद दूसरी डिफिकल्टी ये है कि फर्स्ट अपील के रिप्लाई आने में बहुत टाइम लग जाता है, सेकेंड अपील के रिप्लाई आने में टाइम लग जाता है और लोग जनरली 2-3 लाइन्स में अपनी एप्लीकेशन लिख के छोड़ देते हैं विच इज आवर प्रॉब्लम। सर, तो आप क्या कुछ टिप्स दे सकते हो एक अच्छी एप्लीकेशन तैयार करने में? अच्छा लॉयर करो सबसे पहले तो, बिकॉज आपका जो लॉयर है ही इज गोना प्ले अ वेरी एसेंशियल रोल इन ड्राफ्टिंग द पिटीशन। सेकेंड इज इफ यू आर फाइलिंग इट योर सेल्फ आप खुद भी फाइल कर सकते हो, मतलब इसमें कोर्ट फीस ज्यादा से ज्यादा 100-150 रुपए की कोर्ट फीस लगती है। फिर आपका एक फॉर्मेट है जो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट में दिया गया है एंड बेसिकली आपकी एप्लीकेशन इमोशनल से ज्यादा प्रैक्टिकल इन नेचर होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो आर्मी में जिसने काम किया है ही हैज गिवन हिज एवरीथिंग टू द कंट्री, सर, बट जो कोर्ट में इंसान बैठा है वो जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे, तो वो जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के बाद जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिसीजन देगा। सो वी नीड टू कम टू अ कंक्लूजन एंड इन अ वेरी डिसेप्टिव मैनर वी हैव टू टेल देम कि सर अगर मैं फौज में नहीं होता तो मैं सियाचिन पे पोस्टेड नहीं होता, अगर मैं सियाचिन पे पोस्टेड नहीं होता तो मेरा खून मोटा नहीं होता, अगर मेरा खून मोटा नहीं होता तो मुझे हार्ट अटैक नहीं आता, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड नहीं होता तो मुझे वायरल इंड्यूस्ड पानी से जो वायरल इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस होता है वो नहीं होता, ठीक है, मुझे एलिफेंटाइटिस हुआ है बिकॉज आई वाज पोस्टेड टू अ स्टेट जहां पे उस चीज का प्रोन था, वो जगह मेरे चोट अगर लगी है, मैं पेट्रोलिंग करने गया था मैं पलट गया मेरे चोट लग गई। सो वी बेसिकली हैव टू प्रूव हाउ आवर डिसेबिलिटी, जो हमारी डिसेबिलिटी है वो हमारी फौज की नौकरी के साथ कैसे जुड़ी हुई है। सर, तो इस प्रोसेस में लगभग कितना टाइम चला जाता है? फर्स्ट अपील और सेकंड अपील को छोड़ के AFT के अंदर 1 से 1.5 साल मिनिमम लगता है क्योंकि पहले दूसरी साइड के रिप्लाई को आने में टाइम लगता है, 1 महीना बेसिकली ड्राफ्ट करके उसको फाइल करने में लगता है, देन जनरली 2 से 3 महीने के बीच की आपको डेट्स मिलती हैं। सो इसका पूरा फाइनलाइजेशन में 1 से 1.5 साल लग जाता है। सर, और अगर किसी व्यक्ति की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? वो अपील कर सकते हैं, दी कैन अपील द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। लास्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की क्या लीगल राइट्स हैं जिससे वो पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है? पेंशन तो लागू है, एवरीबडी हु इज लीगली डिस्चार्ज फ्रॉम दी सर्विस, ऑनरेबल डिस्चार्ज जिसका हुआ है जो रिटायर हुआ है उसको पेंशन तो मिलेगी। लीगल राइट टू गेट डिसेबिलिटी पेंशन इज दैट डिसेबिलिटी शुड बी रिलेटेड टू द मिलिट्री सर्विस, इट शुड नॉट बी अ डिसेबिलिटी जो एकदम से आपको लगता है कि उसको मिलिट्री सर्विस से कोई लेना देना नहीं है। आप मोटे हो गए हो जैसे फॉर एग्जाम्पल ओबेसिटी है, ओबेसिटी का मिलिट्री सर्विस से कोई लेना देना नहीं है, ओबेसिटी तो अगर आप फौज में रहते हुए मोटे हो गए तो इसका मतलब आपने कोई दिक्कत है बिकॉज आर्मी इज अ रिग्रेस प्लेस राइट। आप भागते भी हो, पीटी भी कर रहे हो, पीटी के बाद आप परेड पे भी जा रहे हो, आपकी डेली ड्यूटीज बहुत सारी हैं, आप बीपीटी भी भागते हो, फिर उसके बाद आपकी बेसिकली बहुत सारी स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस भी हैं जो आप करते हो, तो ओबेसिटी इज वन जिसके लिए आप अगर AFT जाओगे भी तो AFT आपको नहीं देगा जर्नली। सो बेसिकली योर डिसेबिलिटी हैज टू बी वन जो एट्रिब्यूटेबल हो, एग्रीवेटेड हो, और अगर नहीं दिया गया है बोर्ड में तो हम प्रूव कर सकें कि वो एट्रिब्यूटेबल और एग्रीवेटेड कैसे है और उसकी परसेंटेज 20% से ज्यादा कैसे है, तब आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इनसाइटफुल वर्ड्स। थैंक यू सर। थैंक यू।